लिखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, स्लाइटली डिफिकल्ट बट इफ यू कॉन्सेंट्रेट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. वी मस्ट नो दैट द लेंथ ऑफ अ ईयर इज चेंजिंग इन द सिक्स्थ डेसिमल प्लेस ओवर अ पर्सन्स लाइफ टाइम. आप जब पैदा हो गए और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, उस वक्त जब आप जाएंगे, हम रफली कह रहे हैं मान लो किसी की उम्र 60 साल है, तो उस टाइम जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे और उस टाइम जब आप पैदा हुए थे, उस टाइम और इस टाइम में जो एक साल के अंदर दिन है वो सेम नहीं है, उसमें एक हल्की सी फर्क आती है और वो फर्क लेकिन इतनी छोटी है कि अक्सर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं. वो डॉट के बाद छठे डिजिट पर वो फर्क आता है, ठीक है ना? तो 365 ही रहता है, तो छठे डिजिट पर वो फर्क आता है. तो ही वॉज वन ऑफ दोज मैथमेटिशियंस. आज के टाइम में तो शायद आसान होगा क्योंकि हमारे पास बहुत वी हैव एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी. तो उस टाइम में उन्होंने ये एक्यूरेटली मेजर किया था कि एक साल में कितने दिन होते हैं. दिस इज हिज सेकंड कॉन्ट्रीब्यूशन. इनफैक्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस और एज अ रिजल्ट ऑफ हिज कैलकुलेशन उन्होंने सजेस्ट किया था कि हर एक साल के अंदर 360 दिन रख दो और हर 33 साल के बाद 8 दिन ऐड किया करो. जैसे हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हर एक साल में 365 दिन रख दो और हर 4 साल के बाद एक दिन ऐड किया करना. करते हैं ना भाई करंट टाइम्स में, राइट? जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से. तो उन्होंने सजेस्ट किया था हर 33 साल के बाद 8-8 दिन ऐड किया करो और इस सजेशन को मान भी लिया गया था एक टाइम में. इन 1075 जो थर्ड सुल्तान थे सेल्जुक पीरियड के, जिनका नाम था मलिक शाह, उन्होंने ये कैलेंडर भी जारी किया था और उसमें बिल्कुल ऐसा ही होता था, 33 साल के बाद उसमें 8 दिन ऐड किए जाते थे. इसके अलावा आई विल कट शॉर्ट नाउ. इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि हाई स्कूल में आपको एक फॉर्मूला याद कराई गई थी, x प्लस वाई होल स्क्वायर पथ बराबर चौसा, ठीक है ना? कुछ याद है? x प्लस वाई होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना? तो आज के टाइम में हम कहते हैं कि वो, उसको हम बोलते हैं वो न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम. अब मान लो x प्लस वाई की होल स्क्वायर की फॉर्मूला तो आपने किसी तरीके से बड़ी मेहनत से याद कर ली. उसके बाद अगला क्वेश्चन ये होगा x प्लस वाई होल क्यूब की फॉर्मूला क्या है, यानी कि x प्लस वाई से y मल्टीप्लाई करूं, x प्लस वाई से पचबे मल्टीप्लाई करूं x प्लस वाई से, दैट इज x प्लस वाई होल क्यूब. एक और फॉर्मूला, एक और जनरेट, एक और परेशान आपके चेहरे से भी नजर आ रहा है. उसके बाद x प्लस वाई होल पावर 4 होल पावर 5, ठीक है ना? तो कितनी फॉर्मूला हम याद रखेंगे. तो इसमें बेसिकली एक जनरल फॉर्मूला आज हमारे पास मौजूद है, आज के टाइम में हम कहते हैं उसको न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम, बट दैट वाज एक्चुअली नॉट गिवन बाय न्यूटन, क्योंकि न्यूटन तो बहुत बाद में आए थे. और जब हमें किसी की टेक्स्ट बुक में हजारों साल या सैकड़ों साल पहले वो चीज नजर आ जाए तो हम न्यूटन को तो उसको फाउंडर मान नहीं सकते ना. तो उमर खयाम की बुक्स में हमें नजर आता है, हालांकि हमारे पास ट्रांसलेटेड बुक्स है, बिकॉज जैसे अभी सर ने कहा एडवर्ड फिट्ज़जेरॉल्ड ने हमें ट्रांसलेटेड बुक दी थी, उसके जरिए हमें पता चला कि बेसिकली उमर खयाम की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है. और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इसके अलावा बहुत कुछ और भी लिखा था जो हमारे पास मौजूद नहीं है. इसके अलावा दूसरी चीज, तो बाइनोमियल थ्योरम असल में उन्होंने दी थी, अच्छे से ना, बाइनोमियल थ्योरम x प्लस वाई स्क्वायर x प्लस वाई क्यूब. इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको पता है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो असल में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ Space and curves and shapes. लेकिन मजे की बात यह है कि आपको ज्योमेट्री यानी कि फिगर्स को स्टडी करने के लिए फिगर्स को बनाने की जरूरत ही नहीं है. फिगर्स को स्टडी करने के लिए फिगर्स को ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक और ब्रांच है ज्योमेट्री की जिसको हम बोलते हैं कार्टीजियन ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट, हर पॉइंट को दो नंबर से डिनोट करते हैं. और यह आपके लिए नया नहीं है, शायद आपने अटेंशन पे नहीं किया है. आप देख, आपने देखा होगा कि किसी भी पॉइंट की, जो जमीन पे कोई भी पॉइंट है, आपका घर है, ये कॉलेज है, इसका एक एड्रेस होता है जिसको हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बोलते हैं. ये बेसिकली एड्रेस है आपका, ठीक है ना? एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट. तो आप पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स के जरिए, आपको सर्कल बनाना है, सर्कल को बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसकी जगह पर एक इक्वेशन लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10. आई डू नॉट एक्सपेक्ट दैट यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. लेकिन जिस दिन आप समझ जाएंगे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10 क्या है, तो आप खुद बोलेंगे कि एक सर्कल है, ठीक है ना? तो उसकी भी आज के टाइम में हम कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसने दी थी, ये किसने समझाया था कि फिगर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए फिगर्स को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. आज के टाइम में कहते थे कि ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेनी डेकार्ट्स.
लेकिन रेनी डे कार्ड जब हम देखते हैं वो तो 17th सेंचुरी में आए थे और उमर खयाम तो 12वीं सदी में या 11वीं सदी में आए थे, तो हु शुड बी द फाउंडर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? वी हैव अ गुड रीजन टू से कि इसकी फाउंडेशन भी प्रोबेबली, इसलिए मैंने प्रोबेबली लिखा है, प्रोबेबली उमर खयाम ने ही दी थी। इसके अलावा एक और पोस्टुलेट है जिसकी डिटेल में अब मैं नहीं जाऊंगा, उसको पैरेलल पोस्टुलेट कहते हैं। दिस इज द लास्ट थिंग आई हैव टू मेंशन। पैरेलल पोस्टुलेट को विलन पोस्टुलेट भी कहा जाता है। यूक्लिड बहुत टाइम पहले बीसी में, ईसा मसीह से पहले या हज़रत ईसा से पहले आए थे, तो उन्होंने उस टाइम ज्योमेट्री की पहली टेक्स्ट बुक हमें दी थी। और आज के टाइम में हम ज्योमेट्री के बारे में जो कुछ भी जानते हैं तकरीबन वही है जो उस किताब से लिया गया है। उसमें उन्होंने तकरीबन जो कुछ कहा था वो हम आज भी मानते हैं, सिवाय एक चीज के जिसको कहते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट। वो फिफ्थ पोस्टुलेट का दूसरा नाम है पैरेलल पोस्टुलेट। बहुत सारे लोगों ने, जिनमें उमर खयाम भी था, उन्होंने कहा कि इनका ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट है पैरेलल पोस्टुलेट है, हम नहीं मानते, और उस पोस्टुलेट को छोड़ा गया, उसकी जगह पर दूसरा पोस्टुलेट लाया गया, तो नई ज्योमेट्रीज बनी। आज के टाइम में टू कीप इट सिंपल, ज्योमेट्रिशियन आके आसान किए, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ज्योमेट्रीज एंड वन ऑफ देम इज कॉल्ड यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ऑल अदर ज्योमेट्रीज आर कॉल्ड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज। उनमें से एक नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री उमर खयाम ने दी थी। जैसे आप सोच रहे होंगे सर कब जाएंगे, तो मैं जा रहा हूँ। थैंक यू।